मैंने तो वो बात भी बोल दी जो मुझे फील हुई मेरे मियाँ के बारे में. इट डज नॉट हैव टू बी ऑन एवरी वे. ओ हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सन डूइंग दिस? व्हाट डू यू गाइस थिंक व्हाट आई थिंक अबाउट इट? मतलब तुम लोग को सब कुछ ही पता है भाई, तो मेरा बोलने का फायदा क्या है? मतलब मैं अपनी तरफ से चीजें बोलती हूँ ना, हर कोई अपने हिसाब से चीजें बोलता है. आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि फैजान शेख की वाइफ माहम आमिर ने लाइव आकर उन तमाम फैंस को जवाब दे दिया है जो कि सोशल मीडिया पर फैजान शेख और अरूबा मिर्जा के बारे में ये बातें फैला रहे थे कि इन दोनों का तमाशा घर में अफेयर चल रहा है. मुकम्मल तफसीला शेयर करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और ऐसे मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. फैजान वाज लिटरली फ्लर्टिंग विद अरूबा यू गाइस. Especially for you're talking about a woman, you're talking about a man doing exactly. it to a woman. It's a very very serious issue. Do not do this. This is very pathetic. कि एक लड़का जी फ्लर्ट कर रहा था. Yeah, for God's sake, he has a daughter outside, अच्छे. a wife, a sister, a mother. आजकल का मसला यही है. मतलब इनके इनको शायद I think she needs to grow up and need to understand what flirting is. अगर अच्छा आप एक जगह बैठे किसी को लड़की को गन बोल रहे, दूसरी लड़की की जा रही, जिसकी आप बुराइयां करते, जहां बोलते yesterday's episode destroyed फैजान अरूबा एंड जुनेद इमेज. नो इट डिड नॉट, इट डिड नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग. आप जब अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में गलती करते हैं तो इतना तो नहीं हो सकता कि आपके बड़े आपकी गलती पे कुछ ना बोलते हो आपको. और अगर उस बात को कॉल आउट किया गया है, जो कि और भी लोगों को कॉल आउट किया गया था, आई विश एंड आई होप कि वो अभी जाके अपना वो अनकट वर्जन का वो पार्ट देख लेते जहां अदनान सिद्दीकी जी हैज कॉल्ड आउट ईच वन ऑफ देम. दे हैव ही हैज कॉल्ड आउट ईच वन ऑफ देम, बट व्हाट वी हैव सीन ऑन टीवी, आई डोंट थिंक इट हैज डिस्ट्रॉयड एनीथिंग. तो यहाँ पे बात है कि जी मैं सिर्फ जुनेद और अरूबा को सपोर्ट कर रही हूँ. नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ सिवाय फैजान के. ये बात मैं जरा क्लियर कर दूँ यहाँ पे. आई एम नॉट द वन हु गोज अराउंड एंड लाइक सपोर्ट. ओ आई एम वॉचिंग. नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन. आई एम सपोर्टिंग माय हस्बैंड फॉर श्योर, बट व्हेन ही डिड रॉन्ग आई डिड कॉल इट आउट. ऑब्वियसली आई सपोर्ट माय हस्बैंड, ही सपोर्ट्स हिज फ्रेंड एंड हूएवर ही लाइक्स. इट्स हिज कंप्लीट ओपिनियन. बट ऐसा नहीं है कि हम ये सिर्फ फैजान के लिए करते हैं. नहीं, वी डू इट आउट ऑफ द लाइकिंग ऑफ द फॉर्मेट इवन. नहीं भाई, मैं फर्स्ट डे से बिल्कुल उमर के खिलाफ नहीं हूँ. खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो. मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ भाई. मैं अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ. आपको नहीं पसंद, क्यों देखते हो मेरी स्टोरी? ऑल दोज पीपल हु आर सेइंग बैड थिंग्स अबाउट फैजान, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट्स एक्चुअली रूइनिंग एनीथिंग, दैट्स एक्चुअली मेकिंग मी फील वेरी स्ट्रांग. सो गो अहेड, कीप मेकिंग मी स्ट्रांग बाय सेइंग बैड थिंग्स, इट्स ओके. हेट करे, बुरा कहे, बहुत गंदा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे बल्कि बड़ी खुशी है कि फैजान का नाम इतना लिया जा रहा है. इट्स ओके. आई नो हिज फैमिली नोज, हिज फ्रेंड्स नो व्हाट ही इज. वी डोंट हैव टू जस्टिफाई दैट. एंड इंसान अच्छा वही होता है जो एंड में इस बात को रियलाइज करता है कि अगर उसने कोई गलती की है या वो गलती कर रहा है. सो इफ यू गाइज थिंक कि ऐसी कोई बात है तो नहीं, ऐसी बात नहीं. आपको